ਹੈਲੋ ਮੇਮੀ ਫੈਮਿਲੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ? ਹੈਲੋ ਦੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਵਲਜੀਤ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਹਿੰਮਤ ਵੀਰ ਜੀ, ਐਂਡ ਲਵ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਦੀ। ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਬੀਨ ਵੰਡਰਿੰਗ ਜਸਟ ਵਾਟ ਯੂ ਮੀਨ ਟੂ ਮੀ ਓ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਟ੍ਰੀ ਸਟਿਲ ਡਰਾਈਵ ਮੀ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ। Why Kiki is looking so handsome? Because I'm going to a festive. Oh, I love this scarf he's wearing. He's looking such a cutie pie. Just like you. Hello guys. You're feeling sad, but you should watch on Mama's videos. Mama. Now you will be happy, not sad anymore. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी बात फिनिश हो जाए सीटी के बजने से पहले। ओके सो आज व्लॉग करना बहुत ज़्यादा देर के बाद शुरू किया है मैंने। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। आज हम बहुत ज़्यादा बिजी थे हिम्मत के होमवर्क के साथ, क्योंकि उसका जो होमवर्क है आज बहुत सारी उसकी असाइनमेंट्स सबमिट होनी है, अभी वो कर रहा है और उसी में मैं बिजी थी। पहले मैं सोच रही थी कि व्लॉग करना शुरू कर लूँ, बट देन नहीं कर पाई। और अब मैं कुक कर रही हूँ डिनर। डिनर के लिए हम लोग कुक कर रहे हैं दाल, काली दाल। एंड हस्बैंड कल थोड़ी सी ग्रीन मिर्ची लेके आए हैं और मैं चाहती हूँ कि जो मैंने नींबू का अचार डाला उसमें वो ग्रीन मिर्ची को थोड़ा सा फ्राई करके ऐड कर दूँ, ताकि वो मसाले में मिक्स हो जाए। क्योंकि जो मैंने अर्लियर मिर्ची ऐड की थी वो स्पाइसी नहीं है, लाइक वो सिर्फ शक्ल की मिर्ची है, नेचर से वो मिर्ची नहीं है। तो यस, उसी को मैं करने वाली हूँ। दाल ऑलरेडी कुक हो रही है एंड हिम्मत होमवर्क कर रहा है। आई होप आप देख पा रहे होंगे। सो अभी इसको ऐड किया है मैंने, कैमरा बंद हो गया और ज़्यादा कुछ नहीं किया, कुक नहीं किया, बट थोड़ा सा रोस्ट फ्राई करके अब इसको अचार के मसाले के साथ ऐड कर देंगे। और वैसे तो खाने के लिए तैयारी होती है ऐसी मिर्ची, पर थोड़ी देर में थोड़ा कुक हो जाएगी। कुछ दोस्त इनकी रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे ढूंढ रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूँगी कि मैं अभी अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मैं एडिटिंग कंप्लीट नहीं हुई। एवरी डे व्लॉग एडिट करना पड़ता है, तो उसके चलते ये काम और वो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो चिंता मत करें। कई लोगों को लग रहा है कि मैंने किसी और कुकिंग चैनल पे अपलोड कर दिया। मेरा सिर्फ एक ही कुकिंग चैनल है जिसका नाम है सिमार कैन कुक, एंड उस पर ही अपलोड करूँगी, पर फ्यूचर में होगी। लिटिल गाय, व्हाट्स गोइंग ऑन? कहीं की राइट करो, चलो। ओके, बिग नहीं कर दे, कोई गल नहीं। सो यस, हिम्मत नखरे वखरे कर रहा है अपने। All right, जब तक हिम्मत अपना काम कर रहा है तब तक मैं भी कुछ रीड कर लेती हूँ। देन आई हैव टू स्टार्ट एडिटिंग एंड डिनर एंड ब्ला ब्ला एंड ब्ली ब्ली वर्क। आई एम अ सुपर मॉमी, आई एम अ सुपर वुमन, आई एम द क्यूटेस्ट पाई, आई एम द बुगी बुगी, मीमी लव मी and I don't love him. All right, I love you guys. I don't love him. Okay, kidding guys, I love him. Why you don't love him, mommy? I love you, I'm just kidding. I love you, don't move. This is a story about me and you. And the beauty that we did pursue. And how you changed my life so beautifully. Okay, दोस्तों, मैंने ये बुक ली थी लाइफ आफ्टर लाइफ। इसके बारे में हमने बिल्कुल बात नहीं की क्योंकि मैंने इसको पढ़ा ही नहीं था, लाइक मिड में आके मैंने छोड़ दिया था। और कई दोस्तों ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज किया पूछने के लिए कि मेरे इसके बारे में क्या विचार हैं और मैं इसके बारे में कोई बात करूं।
इसमें एक्चुअली लोगों ने स्टोरीज लिखी हैं जिन्होंने नियर टू डेथ एक्सपीरियंस किया, कुछ ऐसे उनको लगा कि वो मर गए हैं पर फिर वो जाग गए, और उनके क्या विचार हैं. अभी 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 मैंने एक पढ़ी है छोटी सी स्टोरी, उसमें उसने कहा है कि चाइल्ड बर्थ के समय उस लेडी को लाइक काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी और डॉक्टर ने ऑलमोस्ट कह दिया था कि वो नहीं बचेगी. शी सेड कि मैं काइंडा बेहोश थी बट स्टिल मैं डॉक्टर की आवाज़ सुन पा रही थी कि वो बोल रहा था कि ये नहीं बचेंगी एंड वो सब कुछ. एंड शी सेड कि तभी सब कुछ अजीब सा हो गया एंड उन्हें उस लेडी को बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस फील होनी शुरू होगी रूम में, जिसमें वो बहुत सारे वो दोस्त लोग थे जो उससे पहले मर चुके थे. एंड एक कह रही कि मेरे स्कूल की कोई दोस्त थी एंड मेरी ग्रैंड मदर थी. ओके शी सेड कि ऐसे नहीं फील हो रहा था कि उनकी होलसम बॉडी वहाँ पे अवेलेबल है, पर उनकी प्रेजेंस और उनके फेसेस से शी सेड कि मैं फील कर पा रही थी. और वो इतनी ग्लोरियस मोमेंट थी और इतना ब्यूटीफुल था कि मुझे लगा कि मैं मरने के बाद भी सेफ जगह पे हूँ एंड ये सारे लोग जो मुझे जानते हैं वो मुझे कंफर्ट देने के लिए और मुझे लेने के लिए आए हैं. एंड उसके बाद वो जाग गई उस चीज़ से, वो लूसिड ड्रीम होगा या शी ऑलमोस्ट सॉ डेथ, आई डोंट नो, बट शी सेड कि वो जब भी वो मोमेंट को याद करती है दोबारा उन्हें बहुत अच्छा फील होता है क्योंकि वो बहुत कंफर्टिंग थी डेथ. लाइक डेथ बहुत ही, जैसे वो कह रही कि मैं हमेशा डरती थी डेथ से, पर वो डेथ वाली फीलिंग बहुत कंफर्टिंग, बॉडी बहुत लाइट एंड बहुत ब्यूटीफुल एंड बहुत ग्लोरियस मोमेंट थी. सो या दैट्स हर स्टोरी एंड देयर उसमें बहुत सारी और स्टोरीज हैं. को क्या लगता है कि क्या होता होगा, आपके क्या विचार हैं अगर आपको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है? मुझे बहुत ज़्यादा है, आपको पता है. सो अगर आपको भी है तो प्लीज़ बताएं आपके क्या विचार हैं कि मरने के बाद बंदा जाता कहाँ है, लाइक व्हाट हैपेंस आफ्टर डेथ. ओके मेरी दाल हो चुकी है, मुझे लगता है मैं देख लूँ, अदरवाइज दाल की डेथ हो जाएगी बेचारी की. गाइस लुक, माय प्लान मेड टू अ टीवी शो. गाइस लुक कि गमला भी सेम है, पत्ते भी सेम है, लेंथ भी सेम है और दोनों आइडेंटिकल ट्विंस लग रहे हैं. लुक and I'm so happy that this little cutie made to TV. You're always talking about leaving, milk carton black in my face, smile vacant for the picture, parents waiting in the driveway. आते ही हमने पति को चाय सर्व कर दी थी और मेरा प्लान है आज पति को रोटी नहीं देने का क्योंकि पति कुछ दिन से बहुत ज्यादा खा रहे हैं. मैं चाहती हूँ कि उनकी कैलोरीज को थोड़ा कट किया जाए, इसलिए हम आज उनका डिनर स्किप करने वाले हैं. ओके दोस्तों, पति हमारी बातचीत में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं लग रहे तो हम उनको अकेला छोड़ देते हैं. मैंने सोचा कि थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं पति के साथ क्योंकि वो अभी इसी वक्त ऊपर जाएंगे और अपनी वो पुरानी घिसी पुरानी सेम अपनी फेवरेट टी शर्ट पहन के आ जाएंगे. हेलो गाइस, सो आई एम बैक अगेन. मेरा मेकअप थोड़ा ख़राब हो चुका है एंड मेरी लैशेस भी, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले बहुत रोई हूँ क्योंकि मेरे पति ने मेरे साथ बहुत फाइट की. ओके दोस्तों, एक्चुअली आई वाजंट फीलिंग वेल सो आई क्राई, आई लव क्राइंग. ये दोस्तों ये होली हो जाती है, होली होली लाइक लाइक करैक्टर तो होली या हल्का फील करती है ये करैक्टर से होली हो जाती है. ओके दोस्तों, अगर ये व्लॉग मिस नहीं हो तो मैं यहीं पे व्लॉग करना बंद कर दिया होता मैंने, पर बिकेस मुझे इस दिन को कंप्लीट करना है तो हम ऐसे ही करेंगे रूले खुले मेकअप के साथ. एंड मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ बहुत फाइट की दोस्तों. चल मक्खन काट. मक्खन ऑमेंटेड था बाहर.
बैंगन दे पकौड़े जैसे फिश होती है लंबे लंबे फ्राई करके थोड़ा सा बेसन एंड सॉल्ट पेपर लगा के जैसे बंगाली लोग खाते हैं। जब मैं इंडिया में थी तो अगर मेरी फेवरेट सब्जी नहीं बनी हो तो मेरी मम घर के फ्रेश बैंगन उतार के बना के देती थी मेरे को और मैंने हस्बैंड को बना के दिया एक दिन उन्हें बहुत अच्छा लगा। आज वो कैमरे चे लाइट मैन बने थे आज वो सो यस वो बना के देने वाली हूँ मैं मेरे पति को। इनो हाफ कर लेने हैं प्यारी तो मैं एकदम मच्छी वांगा बना के देना ताली असली मच्छी खिलाओ मच्छी था बैंगन खाई जाते तो ना बैंगन पसंद आ नखरे ना मारो बहुते आ गयो यार दोस्तों ये लड़की ऐसे करती है बैंगन खिला के कहती है मच्छी वांगू बैंगन खाया प्यारी दसो साले बैंगन मच्छी आ प्यारी है जेडी उथे मिलदी है नहर दे कंडे केडी हुंदी है बारामुंडी केडी हुंदी पता नहीं पर साडे ते आ बैंगन ही आ मच्छी बना दसो मच्छी दा नाम की हुंदा शकल की केडी हुंदी ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਸੋਲ ਆ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਸੋਲ ਆ ਥੋੜੀ ਚਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਦੀ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਲ ਹੀ ਆ ਡੈਮ ਡੈਮ ਦਿਲ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੋਲ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਮੱਛੀ ਖਾਣਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੈਂਗਣ ਖਾਣਾ ਓਕੇ ਤਾਂ ਹਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੈਂਗਣ ਕੇ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਥੋੜਾ ਸਾ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆ ਕੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਬੇਸਨ ਕੋ ਸਾਲਟ ਪੈਪਰ ਮਿਰਚੇ ਜੋ ਵੀ ਆਪਕੋ ਕਰਨਾ ਵੋ ਕਰੇ एंड दैट डन ओके मैं वैसे क्या करती हूँ बैंगन पे वो थोड़ा सा पानी के छींटे डाल देती हूँ ताकि जो भी मैं बाद में चीज़ें ऐड करूँ वो स्टिक हो जाए और फिर पति माऊ माऊ करके खा जाएंगे काकू की तरह पति को कुछ पता नहीं चलेगा कि सोल है या झोल है और बढ़िया तेरे प्यारी मच्छी की मालिश करी दी और की चाहिए और मोटा नहीं ओए नहीं करना है ये मोटा नहीं है ना ऊपर could have been a painter could have studied law Instead, you are my paintbrush, you're my curriculum. Could have been a sailor, could have been an astronaut. Instead, I drive for miles just to get to where you are. I saw you out in Leicester Square, thought about you in the shower. I paid to watch you stand up there and gave you all the power. You say she's a work of art. You pick her up from school, but she blows you off. Don't you know you're all I want? You like that bangin' fish? उससे पहले हम सोच रहे थे हस्बैंड सोच रहे थे कि सिर्फ दाल एंड राइस खा लेते पर मुझे लगा कि पिछले कई दिन से हम राइस वाली डिशेज ही खा रहे हैं तो अच्छा होगा कि रोटी खा लें क्योंकि कुछ दिन के बाद हमें रोटी खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो यार वो बैंगन से थोड़ा डिफरेंट हो गया अदरवाइज दाल रोटी बोरिंग हो जाती है। आप भी ज़रूर से ट्राई करना है ऐसे बहुत ईजी है और अच्छा बनता है ऐसे। और मेरे शक्ल के बालों के 12 बजे हुए हैं मुझे अभी क्लीनिंग करनी है किचन की। यू डोंट लव मी एनी मोर ओके दोस्तों तो हमारा खाना पीना हो चुका है और हस्बैंड को कहा मैंने कि मेरे साथ वीडियो बना लें बट वो वी फिनिश्ड स्टडी सो मच या वी गिव हिम अ पनिशमेंट वी डू लेट बट देन ही एक बार टिकटॉक अगेन वी वर सेड हिम इन क्वाइट रूम विद बुक्स टू बी स्मार्ट नॉट लेजी ओके नेक्स्ट टाइम अगर डैडी ज़्यादा फ़ोन पे टाइम स्पेंड करेंगे तो हम उन्हें क्वाइट रूम में बुक्स के साथ भेजेंगे ताकि वो स्मार्ट हो जाए और लेजी ना रहे। पर नानी रूम इज सो क्वाइट या इन नानी रूम वी गोना पनिश हिम फ्रॉम बुक्स एंड वी गोना गिव हिम बुक्स फ्रॉम देयर या एंड गेट देम अपस्टेयर्स देन ही इज डन विद इट ही प्रॉमिस देम वी ब्रिंग देम डाउनस्टेयर्स अगेन या व्हेन ही प्रॉमिस ही विल नेवर डू दैट अगेन देन वी ब्रिंग हिम बैक या एंड बुक्स बैक आई विल हेल्प एंड आवर बुक्स बैक And I will help mama. And I will help mama to pick the books up downstairs. Yes. Okay. So कई बार जब क्या होता है कि चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चलती हैं तो आप sad हो जाते हैं मेरी तरह And then you feel better. ऑलराइट दोस्तों सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा। वैसे पता नहीं शायद ये बहुत पिद्दी व्लॉग होगा
अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मैम एंड हिट द बेल बटन इज हियर, द सब्सक्राइब बटन इज हियर, द बेल बटन इज हियर एंड फाइनली द थम्स अप बटन हियर. मैं मिलूंगी आपको कल नए व्लॉग के साथ, नए मज़े के साथ. एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस अ ब्यूटीफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रीकिंग थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. एंड जिस दिन आप उदास हैं थोड़ा रो लें, रो के थोड़ा हल्का हो जाए, क्योंकि अगर दिल में रखेंगे तो फिर ज़्यादा स्केरी हो जाता है, जो हमें नहीं चाहिए. कुछ मंथ्स पहले मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरी एंग्जाइटी को डील किया, जब ब्रीथ करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है और आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट एंग्जाइटी वाली फीलिंग, बट काफ़ी मंथ्स हो गए कि वो फील नहीं किया है मैंने. आई थिंक मेडिटेशन ने हेल्प की है उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा, पर आज काफ़ी उदास दिन था एंड पता नहीं मैं कब आपके साथ शेयर कर पाऊँगी इसके बारे में डिटेल. मैं भी कर पाऊँगी कभी तो बताऊँगी आपको मैं, बट नाउ इट्स नॉट द राइट टाइम, राइट मीमी. आई डोंट नो कब कर पाऊँगी, पर होपफुली जल्दी कर पाऊँ शेयर, क्योंकि मैं करना चाहती हूँ इस चीज़ के बारे में. तब तक के लिए इसको सीक्रेट रखते हैं. अब मुझे एक्चुअली अभी आज का व्लॉग एडिट करना शुरू करना है एंड बहुत सारे काम. ओके, सो करने के लिए मेरे पास बहुत सारे काम है एंड फालतू चीज़ें सोच रही हूँ मैं. और अब मैं एडिट करना शुरू करूँगी एंड देन क्लीन करेंगे, देन वी आर डन फॉर द डे. एंड आई हैव दिस क्यूटी विद मी एंड आई लव हिम सो मच एंड Mimi calm me and give me so much positive energy. Yeah, give me blessings. What is it? Root of tradition, we celebrate.